नमस्कार दर्शक बंधु, अनेक लोकंकर गोड़ बिंधा जनित रोग देखा मिलता है। आपण 4-5 दिन धरी किसी अधिक परिश्रम करी आपणकर गोड़ बिंधा होबे कौनसी डरबार कारण नुहे, किंतु जदि आपण कौन प्रकार काम करना किंबा परिश्रम जनित काम करना आउ आपणकर गोड़ काटुची तेबे एहार विभिन्न प्रकार कारण होइपारे। प्रथम कारण हेउची जदि आपणक शरीर में विटामिन डी अभाव होइची आपणकर गोड़ बिंधिपे। द्वितीयटी हेउची आपणक शरीर में जदि पोषण अभाव होइची आपणकर गोड़ काटिपे। आपण जदि मोटा हो जाइछंती, आपण वृद्धावस्था अछंती, किंबा जदि आपणक शरीर में आर्थराइटिस होइची ताहले आपणकर गोड़ बिंधा होइथाय। तबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो जे गोड़ बिंधा हेले आमे केमिति जानिबा जे डाक्टरक पाखक जिबार अछि ना आमकु घरे ही चिकित्सा करिवार अछि। जेंति कि मु पूर्वरु कहुतिली जदि आपण अधिक परिश्रम करिछंती तबे आपण घरे किछि दिन रेस्ट नै पारिबे। रेस्ट नेबा परे जदि गोड़ बिंधा कमु नाही ताले आपण डाक्टरक पाखक जाई पारिबे। किंतु किछि घरै उपचार रहिछि जेउ घरै उपचार आपणकु बहुत अधिक काम देबो। जमीति कि जदि प्रथम देखा गोड़र शिरा प्रशिरा जदि रक्त संचालन भल भाव न होपणकर गोड़ बिंधा अधिक होता है। यही समय गरम पा एक भल औषध रूप से कम करपण घरे जदि हॉट बैग रही किंबा आपण जदि किसी समय घरे पानी रे गरम पानी रे गोड़ बुड़े राति रे अध घंटे कि घंटे रुहंती ताले आपणक गोड़े ब्लड सर्कुलेशन व रक्तर संचालन भल हेबो एवं आपणक शरीर भल रहिबो एवं आपणक गोड़ बिंधिबो नाही। द्वितीय कथा जदि देखिबा एबे प्रत्येक दुकान रे एप्सम सॉल्ट मिलुछि। एप्सम सॉल्ट मध्ये गोड़ बिंधारु गोटे भल औषध रूप से काम करिथाय। एही सॉल्ट को आपण सोढ़ा एवं गरम पानी रे मिसे गोड़े सेक दे पारे किंबा गोड़ ता प्रवेश करी रखिबे ताले आपणक गोड़ बिंधा किछि घंटा मध्य ही भल हो। किंतु जदि गोड़ बिंधा अधिक होउछि तबे डाक्तरक परामर्श निहाती नियंतो। मु पूर्वरु मध्य आपणक कहुतिली जे विटामिन डी रो जदि आपणक शरीर रे अभाव देखा देउछि आपणक गोड़ एवं गंठी बहुत जोर रे पेन हबा आरंभ हबो। एही समय रे आपणकर जदि अधिक गोड़ बिंधुछि तबे आपण सकाळु शीघ्र उठंतु एवं सकाळ एवं संध्या हेबा पूर्वरु जे कोंलिया खरा देहरे पड़िथाय सेतिरे विटामिन डी रहिथाय। आपणक देहरे एही विटामिन डी बाजिबा फळरे आपणकर गोड़ बिंधा कमी जाय पारे। किंबा जदि आपण माछ खांती मझिरे मझिरे माछर तेल मध्य आपणकु विटामिन डी दे पारिबो। जदि अधिक गोड़ बिंधुछि डाक्टरक पाखकु जानतु। जदि विटामिन डी रो डेफिशिएंसी रहिछि विटामिन डी रो टैबलेट आसी थाए ए टैबलेट को आपण खाई पारिबे प्रतिदिन गोटिए किंबा 7 दिन रे गोटिए टैबलेट खाई पारिबे। किंतु डाक्टरक पचारी ही एही मेडिसिन आपण व्यवहार करि पारिबे। आउ किछि कथा मध्य रहिछि जदि जहां मु कहुतली जदि आपण मोटापार शिकार होइछन्ति तबे गोड़ बिंधा अत्यधिक भाव आपण निजको पतला करने चेष्टा करंतु। कौन से डाइटिशियन को पचारंतु किंबा खाइबा को कंट्रोल करंतु। प्रतिदिन सामान्य चालंतु किंबा दौड़ंतु। चालिबा एवं दौड़ीबार गोड़ बिंधा एवं मोटापार गोड़ बिंधा मध्य फरक रही। तेणु यह दुईट फरक को आपण को बुझा पड़ो। आपण जदि दौड़ा आरंभ करती आपणकर गोड़ बिंधुची तेज संध्या समय से बिंधाटी अधिक होता है। से बिंधाटी अगर बिंधा ठार अलग होता है। यह साधारण भाव में अनेक लोक जापारती। आउ गोटे सबुठारु बड़ उपाय हेउछि व्यायाम आपण प्रतिदिन करंतु। प्रतिदिन जदि आपण व्यायाम करुछंती जो दिन आपण व्यायाम आरंभ करुछंती तार 6-7 दिन पर्यंत आपणकर गोड़ सामान्य बिंधि पारे। तापर एज यूजुआल हो आपणकर गोड़ अधिक बिंधिब नाही। किंतु 20 दिन रु अधिक जदि आपणकर गोड़ बिंधुछि एवं अत्यधिक भाव में बिंधुछि कौनसी प्रकार पेनकिलर आपण व्यवहार करंतु नाही। डाक्टरक परामर्श नियंतु किंबा ऑर्थोपेडिक्स डाक्टरक पाखकु जाई देखांतु जे आपणकर गोड़ कोन पई बिंधुछि। अन्य समस्त कारण मध्य आपणक जदि किडनी रे कोनोसी प्रॉब्लम रहिछि हार्ट रे कोनोसी प्रॉब्लम रहिछि किबा शरीर रो अन्य कोनोसी स्थान रे जदि किछि प्रॉब्लम रहिछि तार कारण रे मध्य आपणकर हाथ गोड़ बिंधि पाए। तेणु ब्लड टेस्ट करै नियंतु डाक्टरक परामर्श नियंतु। भल खाद्य खांतु एवं प्रोटीन जनित खाद्य खांतु अत्यधिक खांतु नाही। किंतु साधारण भाव रे गोटे दिन रे जेतिकि प्रोटीन रो आवश्यकता रहिछि सेतिकि प्रोटीन खांतु। जहां पूर्वरु कहि रखिथिलि ताकु आउ थरे कहि रखिबि जे आपण सकाळे उठि व्यायाम करंतु। विटामिन डी पाइबा पई आपण माछ तेलर व्यवहार करिपारिबे आपण खरार व्यवहार करिपारिबे किंबा जदि आमे देखिबा शरीर रे गरम पानी प्रतिदिन आपण सेक दे पारिबे गोडरे एवं एल्पम सॉल्ट जहा रहिछि ताकु मध्य आपण व्यवहार करिपारिबे। जदि एहाकु आपण व्यवहार करंती एवं सुस्थ रहंती आपणकर गोड़ बिंधा कमी जाइपारे। धन्यवाद।